HBLPSL सीजन 7 में आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबले के बाद ताज़ा तीन पॉइंट्स टेबल भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चार टीमें टॉप फोर में हैं। नंबर 6 कराची किंग्स, बाबर आजम की टीम अपने पहले तीनों मुकाबले हारने के बाद 0 पॉइंट्स के साथ टेबल के आखिरी नंबर पर मौजूद है। नंबर 5 पिशावर जलमी, वहाब रियाज की टीम पिशावर जलमी ने 2 मुकाबले खेलकर 1 में जीत के साथ 2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं और टेबल के 5वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 4 लाहौर कलंदर्स, कलंदर्स ने भी 2 मुकाबले खेलकर 1 में जीत के साथ 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और टेबल के 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सरफराज अहमद की टीम ग्लैडिएटर्स टेबल के 3रे नंबर पर है, जिसने अब तक 2 मुकाबले खेलकर 1 में जीत के साथ 2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। नंबर 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत के बाद 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और टेबल के 2रे नंबर पर मौजूद है। नंबर 1 मुल्तान सुल्तान्स, मोहम्मद रिजवान की टीम सीजन 7 के टेबल को भी लीड कर रही है, जिसने अपने पहले दोनों मुकाबलों में शानदार जीत के साथ 4 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं और नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है।